कुछ लोग जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये लोग चैनलों एवं अखबार के जरिए डरा धमका कर धोखाधड़ी व अवैध वसूली कर पत्रकारिता को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। खंडवा कांकुक चैनल के खुराना पर धोखाधड़ी के साथ कई धाराओं में केस दर्ज। खंडवा डॉक्टर भारत सोनी एवं रेणु सोनी मामले की जानकारी छिपाने एवं भारत सोनी को पत्रकार देवेंद्र जायसवाल, सदाकत पठान, अजीत लाड जयराज पिल्ले ने धमकी देकर 20 लाख ऐंठने का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि शहर के चर्चित चैनल के संपादक अनूप खुराना पर अपनी जमीन साई राम नगर पर जो की पूर्व में दीवान हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड खंडवा से ऋण लिया था, जिस कारण ये जमीन बोर्ड के पास बंधक होने के बावजूद खुराना ने वह जमीन जानबूझकर पूनम पिता कालूराम नरवाले को बेच दी। एसपी खंडवा को दिए आवेदन में नरवाले ने बताया कि अनूप खुराना ने यह जमीन मुझे 3,70,000 में यह कहकर बेची गई कि इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे 27 जुलाई को हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा सूचित किया गया कि यह जमीन हमारे आधिपत्य में है, तब मुझे खुराना के फर्जीवाड़े का पता चला। नरवाले ने मामले की जांच कर खुराना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निवेदन किया गया। खंडवा से ब्यूरो चीफ लोकेंद्र गंगराड़े की खास रिपोर्ट। क्या मामला है पूरा? मुझे पूनम नरवाले के द्वारा जानकारी मिली कि अनूप कुमार खुराना के द्वारा एक प्लाट उनको बेचा गया था। वो प्लाट पहले ही दीवान फाइनेंस में मॉर्गेज था। उस मॉर्गेज पर खुराना को लोन मिला था 7.5 लाख रुपए का, और 7.5 लाख रुपए उन्होंने भरे नहीं है, और बैंक द्वारा अपने नरवाले जी को बार बार परेशान किया जा रहा था कि इसके अंदर आप लोन भरें, नहीं तो आपकी उस प्लाट की कुर्की कर ली जाएगी। जब इन्होंने जानकारी लेने वहाँ पहुँचे बैंक में, तो वो प्लाट ऑलरेडी मॉर्गेज था। उसके बावजूद भी उसने धोखाधड़ी करके इनको प्लाट बेचा, और प्लाट में बेचने के बाद इन्होंने कई बार उससे बातचीत भी की, भाई ये प्लाट आपका मॉर्गेज है, उसके बाद भी आपने हमको रजिस्ट्री की है, तो उन्होंने कहा कि आपसे जो बने कर लेना। इस संबंध में आज मेरे पास शिकायत लेकर आए थे, इस संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी रिपोर्ट की है, और उसने अपने रजिस्ट्री में भी लिखा है कि ये जो मेरी ज़मीन है वो भार मुक्त है। उसके बावजूद भी उन्हें धोखाधड़ी करी, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाना चाहिए। किस तरह का षड्यंत्र है आवेदक का? किस तरह ये धोखाधड़ी का मामला है, और हेरा फेरी की है उसने दस्तावेजों में, उसके खिलाफ 420 467 468 471 का मामला बनता है, और निश्चित रूप से इस संबंध में पुलिस अधीक्षक साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसे गरीब व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक और त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। रजिस्ट्री की कितने साल हो गए इसको? इन्होंने 2013 में खुराना ने लोन लिया था, और 2014 में ही नरवाले परिवार को बेच दी थी। तो 16 साल बाद मामला कैसे क्या है? 6 साल अब जब इनके पास बैंक के द्वारा जानकारी मिली कि भाई ये आप इसके अंदर लोन भरे, नहीं तो हम आपकी प्लाट को पूर्व कर लिया जाएगा या इसकी नीलामी कर दी जाएगी, तो वो घबरा के फिर बैंक के पास गए, बैंक से सारी जानकारी प्राप्त की, उसके पास मेरे पास आए, उस संबंध में पुलिस अधीक्षक को हमने कंप्लेंट किया। परिचय दे दीजिए। मैं अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ खंडवा, नाम रविंद्र कुमार पात्र।